परम गुरु भक्त परिवार कोलकाता। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानम् सर्वधर्माणाम् जैनम् जयतु शासनम्। जैनम् जयतु शासनम्। पंच परमिष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की अपन जो प्रसंग चल रहा है कि कौन से ऐसे दुख हैं जो दुख है ही नहीं और दुखी, कौन से ऐसे सुख हैं जो सुख है ही नहीं और हम सुखी मना रहे हैं, बस यही द्वंद्व धर्म के और संसार के बीच में मना हुआ है। संसारी प्राणी जिसे सुख मान रहा है, धर्म शास्त्र उसे सुख मानने को तैयार नहीं है। संसार का व्यक्ति जितने भी सुख मान रहा है, धर्म शास्त्र उसकी आलोचना करते हैं, ये सुख है ही नहीं, तुम सुख माने जा रहे हो। दुख मेववा, जिसे तुम सुख कह रहे हो वो सुख है ही नहीं। कर्म परवशे शांते दुखैरंतरतोदये पाप बीजे सुखे नास्ता सिद्धाना कांक्षण स्मृता। अब ये कैसे धर्म के और संसारी प्राणियों के विचारों में कैसे सामंजस्य बैठाला जाए? अनादिकाल हो गया, ये सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। जिस जिस चीज के संबंध में संसारी व्यक्ति अच्छा कहता है, धर्म साथ उसी की निंदा करते हैं। विपरीत का आंकड़ा है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि तुम अमर हो और हमें क्षण क्षण मरने की अनुभूति होती है। 24 घंटे एक ही लगा रहता है, हम कभी भी मर सकते हैं। 24 घंटे यात्रा करो तो, घर में बैठो तो, रात में सो तो डर लगता है सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे। और आगम कह रहा है तुम अमर हो, तुम कभी मरते नहीं हो। और अनुभव कह रहा है कि किसी भी क्षण मर सकते हो। संसार में सबसे ज्यादा व्यक्ति को कौन सा डर है? मरण का। सबसे ज्यादा मरने का डर है और उसी से डर रहा है और मरने से बचने के लिए सारे उपाय कर रहा है। और धर्मशास्त्र कहते हैं तू मूर्ख है, अज्ञानी है, तुझे नशा चढ़ा हुआ है, तू नशे में है, तू कभी मरते ही नहीं है, तू ऐसा मर रहा है जैसे स्वप्न में कोई मर गया तो सुबह उठ के कहता है मैं मर गया। अरे भाई तू मर गया तो बोल कौन रहा है? बोले ये तेरा भ्रम है। जब जीवन से ज्यादा राग हो जाता है ना, तो व्यक्ति को ऐसा आभास होता है कि मैं मर नहीं जाऊं,
जब कोई प्यारी वस्तु होती है तो डर लगता है ये छूट ना जाए, ये हमारे हाथ से चली ना जाए। धन तुम्हें प्यारा लगता है, डर लगता है कोई लूट ना ले। इसलिए जैनाचार्य कहते हैं तुम्हारा ये भ्रम है, क्योंकि तुम्हें जीवन से बहुत मोह हो गया है, राग हो गया है। पज्जय मूढ़ो मूढ़ा, तुम पर्याय में इतना राग करने लगे हो कि तुम्हारे मन में धारणा बन गई कि मैं मर जाऊंगा। मरती पर्याय है और तुम कह रहे मैं मर जाऊंगा। पर्याय को मिटता देखकर अपने को मिटता मानना, ये तुम्हारा भ्रम है। जब किसी को ज्यादा राग हो जाए ना, तो उसके संबंध में थोड़ी भी कल्पना। एक कहीं जोक पड़ा था कि एक व्यक्ति ने, एक दोस्त ने अपने दोस्त को फोन किया, बोले भाई तेरी पत्नी विधवा हो गई, तेरी पत्नी विधवा हो गई। अब विधवा शब्द कितना खतरनाक है, वो कुछ सोचा समझा कुछ नहीं आगे पीछे, वो बस वो रोने बैठ गया वहीं ऑफिस में। बोले मेरी पत्नी विधवा हो गई, सब कहते ये कैसे था? बोले नहीं, मेरा दोस्त कभी झूठ नहीं बोल सकता, पक्का है वो विश्वसनीय, वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। रोने बैठ गया, साहब मुझे तो छुट्टी दे दो, मेरी पत्नी विधवा हो गई। छुट्टी नहीं दी। बोले भाई ऐसे कैसे, जब तू जिंदा है तो कैसे विधवा हो गई? बोले नहीं, जो कुछ भी सब झूठा हो सकता है, मेरा दोस्त कभी झूठा नहीं बोल सकता। ट्रेन में रोता हुआ है सब में, और घर में घुसा तो रोते हुए, और क्या बात हो रही? बोले माँ जी मेरी पत्नी विधवा हो गई, और सामने पत्नी बैठी थी उससे रो फूट फूट करके रो रहा है, तू विधवा हो गई, तू विधवा हो गई। वो कहती तुम पागल हो गए हो क्या? पत्नी के सामने इतना हिप्नोटिज्म, इसको बोलते हिप्नोटिज्म, संबोहन। व्यक्ति कभी कभी किसी वस्तु से इतना इंप्रेस होता है कि उसके संबंध में कोई भी नकारात्मक सुनना उसको ठीक नहीं लगता। पत्नी सामने है और कह रहा है तू विधवा हो गई, रोने बैठ गया। बोले मैं तो विधवा नहीं हुई, तुम तो बैठे हो। तो फिर मेरे से तो उसने कहा था, दोस्त तो पीछे ही खड़ा था, वो भी घबरा रहा था कि क्या मामला हो गया उल्टा होता है। वो दोस्त घबरा रहा है कि ये क्या हो गया, कि पागल हो जाएगा ये तो, पागल हो जाएगा ये तो, कैसे इसको बचाऊं, डिप्रेट हो गया। तब उस दोस्त ने अलग ये कहा कि मूर्ख, कल मैंने फोन किया था ना, 1 अप्रैल था, होता है। ये जो घटना है कोई सामान्य व्यक्ति की नहीं, तद्भव मोक्षगामी जीव भी, 63 शलाका पुरुष भी ऐसे संबोहन को प्राप्त हो जाते। पूज्य रविशरण महाराज श्री पद्म पुराण में स्वर्गों में चर्चा रखी कि 2 भाइयों में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि एक दिन भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, और एक मरेगा तो दूसरा मर जाएगा। राम और लक्ष्मण, उदाहरण दिया कि देखो जब लक्ष्मण शक्ति लगी तो रामचंद्र जी मरने की ठान ली। देवताओं ने कहा कि देखता हूं, देवताओं को क्या है, परीक्षा करने का भाव होता था, देवताओं को कोई काम तो है नहीं, ठरुए बैठे रहते, तो ये क्या है, यहां आपसी में यहां वहां भिड़ते, अपने मनुष्य लोग की चर्चा करते हैं कि देखो वहां पर ऐसा काम हो रहा है जिसको कोई विघ्न नहीं डाल सकता, वो करने वाला इतना से कोई विघ्न नहीं डाल सकता। तो देवता कहता अच्छा कोई नहीं डाल सकता, मैं जाता हूं। बहुत जल्दी पानी पे चढ़ते हैं देवता, और देवता आपसी में बैठे बैठे इतने खुरापाती करते हैं, इतने खुरापाती, छोटे जाति के देव होते ना, व्यंतर भवनवासी और ज्योतिष, जिनमें सबसे ज्यादा खुरापाती होते हैं व्यंतर जाति के।
बात बात में इतने तीख पे चढ़ते हैं, एक दूसरा कहेगा ऐसा हो रहा है, हो ही नहीं सकता, फलाने यहाँ काम हो रहा है, कोई बिघ्न डाल नहीं सकता। लो अब लेना, एक ना देना वो आएगा, मैं बिघ्न डाल के दिखाता हूँ। किसी ने कह दिया कि फलाना महाराज ध्यान में बैठा है, कोई डिगा नहीं सकता, इतने पक्के हैं। अब देखो खामो खाओ दो उसने छेड़ दिया ना, दूसरा कहता है अच्छा देखता हूँ कैसे महाराज मैं, अब वो आएगा और डिगाना शुरू कर देगा। देवताओं में बहुत गंदी आदत है, इतनी गंदी आदत है कि उनकी गंदी आदत से परेशानी हमें और आपको भोगना पड़ती है। अब शांति से ध्यान में बैठे थे, अब वो देवता आके हिलाएगा डुलाएगा पानी बरसाएगा डराएगा, अब खामो खामो बिघ्न होगा। रामचंद्र जी को ऐसे पितेंद्र जेब डिगाने के लिए चला आया, डिगाऊंगा। पारसनाथ को कमर ने यही कहा कि मैं इसका ध्यान देखता हूँ कैसा है। एक श्रावक के लिए ऐसा हो गया, वहाँ के मुनि महाराज को तो छोड़ो, श्रावक भी ध्यान में बैठ जाता है, समय को उसे नहीं हिला सकते, और देवता ने आकर जो श्रावक की मलिदा बनाया, उठा के पटका फेंका, ये किया वो किया वो किया। बता भाई तुम दोस्तों की गप्पों में हमें क्यों मार रहे हो? लेकिन बस उनकी तो आदत है। 90% देवता जो परेशान करते हैं वे कुतूहल बस करते हैं। दो व्यक्तियों में बातचीत होती है, चलो चलते हैं। पूज्यवर सामंतभद्र महाराज ने लिखा कि दो व्यक्तियों में थोड़ी सी वार्तालाप हुई और बस उन्होंने कह दिया कि चलो हम करते हैं। राजा जिनेन्द्र कि ये निर्विचिकित्सा अंग में माहिर है, ये कभी साधुओं से घृणा नहीं करता, साधु के प्रति इतनी भक्ति है कोई नहीं डिगा सकता। ले साहब, उन्होंने कहा चलो अपन परीक्षा करते हैं। अब सामान सेठ था बेचारा मुनि भक्ता, और एक देवता ने मुनि व्रत धारण करके और ऐसा सड़ा गड़ा शरीर बना लिया, ऐसा सड़ा गड़ा, पीप बह रही है, कीड़े बह रहे हैं, और महाराज हार को निकले, सारे गांव के लोग भाग गए। ऐसी बीमारी लग भागा कि सब मरेंगे। राजा उद्यान उनकी रानी भागी नहीं, उन्हें पड़ गया। ओहो देखना पॉजिटिव और निगेटिव, सब सोचा देखो कैसा, मुनिपद क्यों नहीं छोड़ देता, मर क्यों नहीं जाता, सारे नगर को बीमार करेगा। और जिनेन्द्र दत्त कहते, जिन दत्त सेठ, ओहो आज ऐसे महामुनिराज के दर्शन कर रहे हैं, इतनी बीमारी के बाद भी मुनिचर्या पाल रहे हैं, इतनी बीमारी मर भी अभी भी चर्या पाल रहे हैं, अभी भी मुनि अवस्था बने हैं, ओहो अवभाग्य है। मुनिराज को पड़गा लिया, नाक बंद नहीं की, अवभाग मन के महाराज धन्य है, आप ऐसी बीमारी पर भी चर्या पाल रहे हैं, मुनिव्रत पाल रहे हैं, केश लंज करते हैं, एक आसन बहुत प्रशंसा में लग गए। और वो तो बस आहार लेते लेते जितना आहार था सब खा लिया, सब था, कच्चा पक्का पानी सब पी गया, वो तो कुछ बचा ही नहीं। अंजलि कहता है और लाओ, अब कुछ बचा हो तो लाओ। तो भी जिनदत्त सेठ के मन में ये भाव नहीं आया, कैसा अघोरी साधु है, कितना खाता है, सब खा गया, ओहो मैं कितना पापी हूँ, मैं अपने आप को राजा मानता हूँ और मेरे पास एक मुनिराज का भी पेट भरने लायक भोजन नहीं है, काहे का राजा हूँ मैं, मुनिराज को दोष नहीं दिया, मुनिराज की अंजलि खाली है। तो महाराज का हूँ लाओ, और हाथ जोड़ लिए, महाराज अब है ही नहीं हमारे पास, भगवान नहीं है तो जो खिलाया ये भी ले वापस, और उसने उल्टी कर दी उसी के ऊपर, किसके ऊपर, जिनदत्त सेठ के ऊपर उल्टी कर दी, और वो उल्टी इतनी गंदी, उल्टी इतनी गंदी बहुत ज्यादा, अभी भी सेठ सेठानी के मन में विकल्प नहीं आया, क्या सोचते हैं, पहली बात तो मैं पापी हूं कि पूरा आहार नहीं करा पाया,
जितना कराया उसमें भी कोई गलत पहुंच गया, कोई ऐसी चीज पहुंच गई जिससे महाराज को बमन हो गया। हो कैसे पाप कर्म के उदय, पेट नहीं भरा, जो दिया वो भी उल्टा हो गया और महाराज की पहुंचने लगे बेचारे उल्टी को। कोई ग्लानि नहीं, कुछ नहीं, अपना पश्चाताप। देवता ने कहा मैंने तो जैसा सुना था उससे आगे निकला। देवता ने अपना रूप बदला और राजा सेठ के लिए पैरों में गिर गया, उसकी बहुत बहुत प्रशंसा की और कहा मैं स्वर्ग का देवता आया, मेरे दोस्तों में चर्चा चली आपकी प्रशंसा की, तो आपकी परीक्षा लेने चलाया। ये जिन समंत्र भद्र महाराज ने पूज्यवर में श्राप का चार्म लिखा, अब बोलो थोड़ी बहुत डिग जाता तो क्या होता, क्या काम से बेचारा। तो ये देवता सुसरे इतने खतरनाक हैं, आपसी में मजाक करते हैं वो परेशानी। अब हम मुनि महाराजों को तो खूब, इतने मुनिराजों पर देवताओं के संकट, क्योंकि उपसर्ग तीन चार प्रकार का होता है, देवकृत, प्रकृतिकृत, त्रियंशकृत और मनुष्यकृत। ये तीन पर उपसर्ग तो निकल जाते हैं। देवकृत उपसर्ग बिल्कुल बेकार का है, 90% देवकृत उपसर्ग कोतूहल बस होते हैं, उन दो ने मजाक किया और एक ने प्रैक्टिकल किया और भोगना पड़ता है। कितने श्रापकों को शास्त्रों में कथाएं भरी पड़ी, सैकड़ों कथाएं भरी पड़ी देवताओं के कोतूहल में, बस चलो चलते, उनको तो क्या 2 मिनट लगना, चुटकी बजाना, बोले झांसी चलना है, ये लो ये आ गया है, अब जिसको निपटाना है वो शुरू कर दे, लेना एक ना देना दो। लेकिन उनको मजा आता है, उनको अपने आप में लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं, क्योंकि उनकी शक्ति है ना, इसलिए वो आकर के तुरंत प्रैक्टिकल कर लेते। वो ये भी नहीं सोचते कि मेरे प्रैक्टिकल से कितना नुकसान, महाराज को कितना होगा, इनको कितना होगा, कमट नहीं सोच रहा है कि पारस ना, वो सोचते ही नहीं, वो तो अपना काम करते। अब ऐसी स्थिति में कौन इनसे निपटे, कौन क्या करे, और यही स्थिति बनती जा रही है सब सारी दुनिया में। हम जो मानते हैं शास्त्रों में सब उल्टा लिखा है, सब उल्टा लिखा है। वो कहते तुम मरोगे नहीं, शास्त्र में लिखा है मरो। वो कहते तुम्हें नशा चढ़ा है, तुम हिप्नोटिज्म हो, तुम्हें संबोहन हो गया है, तुम भूल रहे हो कि आज 1 अप्रैल है, तुम्हारी तो धारणा बन गई मेरी पत्नी, बोलो ना तुम लोग बोलो, तुम्हारी पत्नी विधवा हो गई तो तुम जिंदा बैठे हो कि जिंदा बैठे हो, होता है। एक बार एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, बच्चा था, तो गाड़ी बिल्कुल चूर चूर हो गई, बच्चा भी नहीं बड़ा था, गाड़ी चूर चूर हो गई और सब उसके नीचे, कुछ भी बचने की सवाल नहीं। किसी ने कांच से उसको निकाला, मैं जिंदा हूं, मैं तो नीचे पड़ा हूं, तो फिर ये मैं कौन हूं, उसकी साइकोलॉजी हो गई, मैं मर गया, ये कौन है, ये तो कोई छाया है, वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पैंथेरा बोलते, क्या बोलते हैं भूत को, मैं तो भूत हूं, मेरी काया तो दूसरी है, मैं तो वो गाड़ी के नीचे मरा पड़ा हूं, क्योंकि गाड़ी इतने नीचे गिरी है कि उसको बच ही नहीं सकता, फिर मैं कैसे आ गए, ओह मैं तो मर गया, मैं तो जिंदा हूं। बड़ी मुश्किल से कहा भैया उसके नीचे तू नहीं है, तू ही है, नहीं तो डिप्रेशन में चला जाए। ध्यान का सूत्र यही है, डिप्रेट व्यक्ति और ध्यानी व्यक्ति की दोनों की एक सी दशा होती है। डिप्रेट व्यक्ति जो संबोहन में चला जाता है, उसको कुछ भी समझाओ, पत्नी भी कहे कि मैं जिंदा हूं तुम जिंदा हो, तो भी संबोहन डिप्रेशन वाला, नहीं तू झूठ बोल रही है, तू इसलिए झूठ बोल रही है कि मुझे दुख नहीं होना, इसलिए झूठ बोल रही है, बोलो कैसे समझ। बहुत खतरनाक संबोधन है ये।
और जैनाचार्य ये कह रहे हैं तुम सब ऐसे ही संबोधन में हो। उदाहरण तो हमने ऐसे दिया कि तुम्हें समझ में आ जाए महाराज जी ऐसा हाँ होता है। पत्नी भी समझाएगी तुम पागल हो गए क्या, तुम जिंदा हो, मैं कैसे विधवा हो सकती हूँ। बोले नहीं तू इसलिए झूठ बोल रही है कि मुझे दुख नहीं हो, तू मुझे बहुत चाहती है ना इसलिए मुझसे झूठ बोल रही है कि मैं रोने बैठ जाऊंगा ये बोला। नहीं तू झूठ बोल रही, सही बता तू विधवा हो गई क्या, अब लौटा डिप्रो। पत्नी जब नहीं लौटा पा रही है तो कौन लौटा पाएगा बताओ। पत्नी खुद सामने कह रही है कि तुम मैं विधवा नहीं हूं तुम जिंदा हो, फिर भी वो विश्वास नहीं कर रहा है इसको लौटाओ। आखिरी शस्त्र था पत्नी, अब कौन लौटाएगा। दूसरों की तो वो मानने को तैयार, किसी की भी मानने को तैयार नहीं है। तो अंत में पत्नी की ने कहा तो भी समझने को तैयार नहीं है। हिप्नोटिज्म बहुत मुश्किल से कह पाए कि आज फर्स्ट अप्रैल कहना पड़ा कि हाँ ये आज मूर्ख दिवस है, मैं तुझे मूर्ख बना रहा था, तू मूर्ख है। और मूर्ख दिवस के दिन सही मूर्ख बन जाए तो बड़ा मजा आता है, यानी उसका नाम क्या है फर्स्ट अप्रैल का हिंदी में, मूर्ख दिवस, इडियट डे, मूर्ख दिवस है। और मूर्ख दिवस के दिन कोई मूर्ख बन जाए तो बस वही तो मजा है, देखा मैंने मूर्ख दिवस को तुझे मूर्ख बना दिया। जैनाचार्य कहते हैं तुम लोग ऐसे ही मूर्ख हो, हिप्नोटिज्म है। ध्यान के सूत्र भी ऐसे ही होते मानवा, जो ध्यानी योगी होते हैं ना, श्रद्धा और सम्मोहन में अंतर समझना। गुरु के पास जाओ जो ध्यानी गुरु हैं, ज्ञानी गुरु हैं, साहब मुझे ध्यान सिखाओ, मुझे आत्मा का ध्यान सिखाओ, मुझे परमात्मा का ध्यान सिखाओ, तो ध्यान सूत्रों में एक मोटिवेशन आता है कि शिष्य से कहो तुम मेरे से ध्यान क्यों सीखना चाहते हो, क्योंकि आप सत्य को जानते हैं, आप सत्य बोलते हैं, आपकी हर वाणी सत्य है, तुम मुझे गुरु बनाना चाहते हो। लोग पूछते हैं महाराज गुरु कैसे बनाया जाता है, मैं कैसे गुरु बनाऊं, लो मैं गुरु बनाने की विधि बताता हूं। तुम मुझे गुरु क्यों बनाना चाहते हो पूछ रहा हूं, क्योंकि आप सत्य को जानते हैं, हम सत्य को नहीं जानते। आप सत्य बोलते हैं, हम सत्य नहीं बोलते। आप सत्य जीते हैं, हम सत्य नहीं जी पाते। यही धारणा है गुरु बनाने की। इधर तो गुरु तीन बार पूछेंगे, बोलो मैं, बोले आप जो बोलेंगे सत्य है, आप जो जानते हैं वह सत्य है, जो भी आप अनुभव करते हैं वह सत्य है, पक्का। आप लोगों से पूछ रहा हूं, मेरा प्रश्न सुनने क्यों आए, क्यों बैठे हो यहां पर, बोलो ना। महाराज जी आप सत्य जानते हैं, बोलो है ना, आप सत्य बोलते हैं और आपको जो अनुभव में आ रहा है वो भी सत्य, आप बनावटी नहीं बोलते, आप बनावटी नहीं बोलते। यदि तुम्हें पता चले कि गुरु बनावटी है फिर वो गुरु नहीं रहा। अंदर से मेरा गुरु बनावटी नहीं है, मेरा गुरु सत्य बोलता है, मेरा गुरु सत्य जानता है, इसलिए प्रवचन सुनने आया हूं, इसके अलावा कोई कारण। फिर से पूछ रहा हूं, आप लोगों से पूछ रहा हूं, ठीक है ना, प्रवचन सुनने क्यों आए, बाहर कर्फ्यू लगा था इसलिए, और किसी कारण से आए हो। हाँ कई कारण हो सकते, महाराज हम तो इसलिए आए हैं कि आप हमारा संकट मोचक हो, हम तो इसलिए आए हैं कि आप इच्छा पूर्ति महाराज हो, कोई भी कारण बना लो, आपकी तो माया विचित्र है। इतनों में से कोई तो आया होगा जो ये मान के आया होगा महाराज सत्य को जानते हैं, कोई सबकी नहीं कहूंगा,
सबकी नहीं कहूंगा कि सब इसीलिए आए हैं कि महाराज सत्य जानते हैं, महाराज का वचन सत्य है, महाराज की दृष्टि सत्य है, महाराज का आशीर्वाद सत्य है, महाराज की हर क्रिया सत स्वरूपी है, ऐसा मानने वाला कोई तो होगा। सबके अलग अलग हो सकते, ना जाने कितने लोग श्रोता कितने कितने उद्देश्य से आते हैं, लेकिन उसके पीछे सुपई सत्य रहता है। एक जुआड़ी था, वो बहुत पहले की घटना है, लगभग होगी 87-88 की घटना है, और वहां पर एक दिन मैंने जुए के ऊपर प्रोशन दे रहा था, तो वो नंबर लगते ना इक्का दुक्का तिक्का आदि ऐसे, तो मैंने कहा आप लोग इक्का दुक्का सट्टा लगाते रहते हैं, ये जुआ है। बस एक दीवाना बैठा था, उसने कहा आज महाराज ने इक्का दुक्का तिक्का, तो उसने जाके तीनों ही पे लगा दिया तो और तीनों ही खुल गए। अब देखना काकताली न्याय है अनाया, ना मेरा कोई भाव था ना, उसने उसे वो तीनों ही खुल गए। अब तीनों खुलने से उसका इतना विश्वास हो गया कि अब तो बस वो प्रतिदिन प्रवचन में आने लगा कि महाराज ने कोई अंक बोला और अपन ने उसी पर। अब उस दिन का प्रवचन आया और गया, 6-7 दिन तक मैंने कोई अंक बोले ही नहीं, प्रवचन में आया ही नहीं कोई अपन। तो एक दिन आया और वो ऐसा प्रवचन सुनता था, मैंने ऐसा श्रोता नहीं देखा, 1-1.5 घंटे यूं बैठा रहता था। मैं इतनी दूर हूं, मुझे नहीं पता कि पलक भी झपकाता था कि नहीं, मुझे तो नहीं दिखा। इतना एकाग्र, इतना एकाग्र, मैंने आज तक इतने श्रोता देखे उस जैसा एकाग्र सुनते नहीं देखा। अब इतनी एकाग्रता से कोई 1.5 घंटे प्रवचन सुनेगा तो मैं भी उसका दीवाना हो गया। मैंने कहा वाह इसको, तो मैं और प्रवचन सुना थोड़ा 5 मिनट और, अभी दीवाना सुन रहा है ना बहुत, उस पर मैं इतना फिदा हो गया। मैंने कहा इतनी एकाग्रता से प्रवचन सुन रहा है। वो एक दिन दोपहर में आया, बोले महाराज जी 6-7 दिन हो गए, आप अपने प्रश्नों में कोई अंक क्यों नहीं बोलते, एक आध अंक बोल दिया करो ना महाराज। अब मैं तो उस पर दीवाना ही था ही, और जिस पे कोई दीवाना होता उसकी बात मानता है कि नहीं, तो मैंने कहीं बोल दूंगा भाई, कहीं महाराज एक आध अंक बोल दिया करो बस। तो मैंने कहा शायद इसका कोई लकी नंबर हो या कुछ इसका हो, अपन ने ज्यादा दिमाग नहीं दिया क्योंकि मैं तो अपन उस पर श्रोता तो पक्का था ही, तो मैंने कह दिया कि बोल देंगे भाई तेरी यदि इसी में खुशी है तो ये तो बस 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 महाराज जी बस एक कृपा कर दिया करो, कोई एक आध अंक कुछ इतना बोल दिया करो, रत्न त्रय 3 होते हैं, द्रव्य 6 होते हैं, आप तो वो कह रहा। मैंने कि मेरी अंक कैसे बोलूं मैं 1-2-3, बोले नहीं आप तो धर्म की बातों में कहीं नंबर लगा दिया करो, 9 पदार्थ होते हैं, 3 लोक होते हैं, आत्मा 1 होती है, बस आप तो बस अंक। मैंने कि बोल दूंगा भाई इसमें क्या फर्क पड़ता है, अपन तो कह देंगे भाई 24 तीर्थंकर होते हैं, पारसनाथ 23वें तीर्थंकर थे, अब आदिनाथ का नाम लूंगा तो कह दूंगा आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी का नाम हम लेते ही हैं, उसके साथ ये और लगाऊंगा 24वें तीर्थंकर, तो कोई बात नहीं। तो ठीक बोलो महाराज आपकी बहुत बहुत कृपा, बहुत बहुत बहुत। जैसे ही वो उठा मेरे दिमाग में कीड़ा आया, तूने क्या कह दिया, वो ठग गया तुझे। मुझे ठग तो दुनिया लेती है लेकिन ठग नहीं पाती, पहली बार में तो मैं ठग जाता हूं लेकिन तुरंत पता नहीं मुझे गॉड गिफ्ट है, कुछ आभास हो जाता है तुरंत। मैंने मन ने कहा किसका आशीर्वाद दे दिया है, रोको उससे पूछो कि अंक क्यों पूछना चाहता है वो। तो वो उठ के कमरे से, मैंने भैया यहां आना है ना, मैंने कि अंक आप क्यों पूछना चाहते हैं, बोले महाराज इससे आपको क्या लेना देना है, आपको क्या लेना देना है, आप तो बोल दीजिए। मैंने कि भैया पहले बता दे क्यों अंक पूछना चाहता है। क्या प्रशंसा की, शायद मेरे भक्त ने नहीं की, महाराज आप सर्वज्ञ हैं, आप अंतर्यामी हैं,
आपको तीनों कालों की बातें याद हैं, आपके वचन में सिद्धि है। उसने क्या बटरंगबाजी की, आपकी वाणी बिल्कुल ऐसी सत्य वाणी है जो निकलती, आप सब अंतर्यामी हैं, सब जानते। अरे मैंने कहा भैया सब जानते, बताया तो सही क्या जाना मैंने, मेरे बराबर बुद्धू कोई नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता हूं मेरे पास। नहीं नहीं महाराज, आप तो बिल्कुल ऐसे हैं। मैंने कहा तू तो आज बता दे क्या बात है, तूने क्या सत्य प्रैक्टिकल कर लिया जो मैंने बोला और सत्य, वो बताने को तैयार नहीं। बोले महाराज इससे आपको क्या लेना देना, बस आपको इतना कह दिया ना कि आपके मुंह से जो निकलता है वह सत्य है। मैंने ये तो बहुत सारे लोगों सुना, लेकिन अंक क्यों पूछ रहा है। मैंने कहा बेटा यदि बताया नहीं तो ध्यान रखना, फिर थोड़ा मैंने रौब दिखाया, मैंने खबरदार यदि तुम्हारा कि महाराज देखो 7 दिन पहले आपने जुए पे सट वो खेलने पर दिया था सट्टा मटका पे, तो मैंने कहा दिया तो था ध्यान नहीं। बोले उस दिन आपके मन से इक्का दुक्की तिक्की निकला था ना, तो मैंने उसी पर लगाया वो खुल गए। बस मैं यही सोचता हूँ आप प्रश्न में अंक बुलाओ और शाम को मैं लगाऊं। अरे मैंने कही बारे श्रोता, मैं तो जुआ का त्याग कराने के लिए प्रवचन दे रहा है, ये तो प्रवचन से जुआ खेल रहा है। अब बोलो कैसे श्रोता है जो प्रवचन सुन रहा है मात्र सट्टे के लिए, नंबर के लिए। अब बोलो बचो कहां से बचोगे। शेखावाटी में एक स्थान पर मेरा चतुर्मास था, स्थान था, गया था मैं। जब हार को निकलू बाहर इतनी जम के भीड़, बहुत भीड़ बहुत भीड़। अब मैं सोचूं कि भाई मुनि मुद्रा को देखने के लिए, हार को देखने सब आते ही। और जब मैं बाहर को निकलू पीछे रेला का रेला चलता था, जैन अजैन सातों जातियां। तो मैं क्या सोचता था, ये धर्म की प्रभावना है, ये मुनि महाराज से प्रभावित है। मन की अच्छी बात है, देखो कितनी बड़ी प्रभावना हो रही, सातों जात मंदिर से निकलते ही सातों जातों का लैंड पूरा चौराहा बढ़ता था और रेला का रेला चलता था। और जैसे मेरा प्रधान हुआ सब गायब हो जाते। तो कुछ नहीं, कुछ दिन के बाद मैंने कहा कि ऐसे ही और महाराज आते हैं तब भी ऐसे होता। बोले महाराज अभी तक तो इतना नहीं हुआ। मैंने क्यों हो रहा है। बोले महाराज जी आप पे करोड़ों लाखों का सट्टा लग रहा है, आज महाराज के कहां हार होंगे। और जितने चौके लगे सबके अलग अलग हैं, उसके यहां 1,000 रुपये का है, एक के 1,000 के 2,000, वो होता है कुछ ऐसा, किसी का शेयर है कुछ होता है ज्यादा कंबल, तो वो अंदाज आज संभावना कहां की है वहां की, उसका रेट बड़ा रहेगा, सेकंड नंबर का कम होगा। अरे मैंने कहा भगवान अब मैं क्या करूं, या तो आहार चर्या छोड़ू, आहार निकलना बंद करूं, मेरे हार पे जुआ खेल रहा है, जुआ का कोई भरोसा नहीं किस पे खिल जाए। जुआ तो बादलों पे खिल जाता है कि बरसेगा कि नहीं, किसी पे जुआ का कोई भरोसा नहीं। अब बताओ साधु कैसे बचे, चर्या को निकले या जुआ खेलने दे, प्रोशन देवे या सट्टा का नंबर बोले। अब ये है सत्यवादी। इसलिए ये तो मैं तुम्हें मान रहा हूं कि तुम मेरे दर्शन करने मेरा प्रवचन सुनने आए हो, तो कुछ तो तुम मुझे मानते हो। अब काय के लिए मान रहे हो ये खतरा है। ये तो मान रहे हो कि महाराज के पास कोई ना कोई शक्ति है। अब ये निर्णय नहीं है कि तुम सट्टा के नंबर के सही मान रहे हो या तत्व दृष्टि मान रहे हो, कोई बात नहीं। तो वो पूछते हैं, ध्यान सूत्र कह रहा हूं, गुरु बनाने का सूत्र कह रहा हूं, जो आप कहेंगे वही सत्य है। दुनिया नहीं मानेगी तो दुनिया झूठी हो सकती है, आप झूठे नहीं हो सकते। मेरी आंखें झूठी हो सकती हैं, आपका वचन झूठा नहीं हो सकता, सब कुछ झूठा हो सकता, आप झूठे नहीं हो सकते। 3 बार कहनवाने के बाद
गुरुदेव आंख बंद करके बैठ जाते हैं। धीरे से आंख खोलते हैं, तू भैंसा है, तू भैंसा है, मेरे ज्ञान में झलका है, तू भैंसा है। जैसे ये शब्द कहा, जो दूसरे चेले थे, जो सटोरिया भटोरिया थे, उन्होंने कहा अरे मैंने तो गलत नंबर डायल कर लिया, महाराज को मनुष्य क्या दिख रहा है, चलता फिरता मनुष्य हूं, चलता फिरता मनुष्य हूं, आँख कान नाक पैर है, सारी दुनिया मनुष्य कहती है, महाराज कह रहे भैंसा है। सब एक शिष्य बनता है, शिष्य बचता है, वो तुरंत कहता है जी मैं भैंसा हूं। जिंदगी भर का अनुभव, जिंदगी भर मनुष्य माना, आंखें कह रही हैं मनुष्य है, दुनिया कह रही मनुष्य है, शास्त्र कह रहा है मनुष्य है, और 25 साल तक वो अपने आप को मनुष्य मानता रहा, लेकिन गुरु के एक शब्द कहते ही सब साफ कर दिया, जी मैं भैंसा हूं। अनुभव में, ऊपर से नहीं, झूठ नहीं बोल रहा है वो, बनावटी नहीं बोल रहा है, हां में हां नहीं मिला रहा है, गुरु को मक्खन पालिश नहीं कर रहा है, गुरु को खुश करने के लिए नहीं कह रहा है, अंदर से अनुभूति पर्याय निकली, जी मैं भैंसा हूं, और गुरु महाराज चले गए उठ के, और वो कमरे में बैठा रहा। हो आज मुझे सत्य का ज्ञान हुआ, मैं आज तक अपने आप को मनुष्य मानता रहा, मैं तो भैंसा हूं, दुनिया झूठी है, मुझे मनुष्य मानती रही, गुरु झूठा नहीं हो सकता, गुरु सच्चा है। जगत झूठा, माँ बाप झूठे, मैं झूठा, सब झूठे हैं, मैं भैंसा हूं, मैं भैंसा हूं, गुरु झूठा नहीं होगा। एक आध घंटे बाद गुरु लौट के आए, दरवाजे पर खड़े होते, हे शिष्य बाहर आओ। बोले गुरुजी जाग रहा है, सोते हुए नहीं है, ये ध्यान का सूत्र दे रहा हूं, हिप्नोटिज्म। गुरुजी मैं बाहर कैसे आऊं, दरवाजा छोटा है, मेरे सींग तो बहुत बड़बड़े हैं, मेरे शरीर तो वैसा तो वैसा ही होगा, दरवाजा छोटा था, गुफा का दरवाजा, बाहर आओ। गुरुजी कैसे आऊं बाहर, फंस जाऊंगा इसमें, मेरे सींग बड़े हैं, मेरी काया बड़ी है, और दरवाजा छोटा, उसे दरवाजा दिख रहा है, अपना शरीर दिख रहा है। क्या कभी ऐसा होगा, होगा क्या कभी ऐसा होता है, क्या कभी ऐसा हो सकता है। जागते हुए मनुष्य का शरीर और कह रहा है मैं तो भैंसा। अनुभव में आंखें खुली हैं, बोल रहा है, जाग रहा है, बैठा है, दरवाजा देख रहा है, और अनुभव में आत्मा की पर्याय बन गई। क्या वह भैंसा है, नहीं है, लेकिन ज्ञान ने क्या मान लिया, भैंसा है। ऊपर से नहीं, कल्पना नहीं है, अब इसको कल्पना मत मानना, कल्पना होती वो निकल जाए, कल्पना में हूं, वो तो क्या मान बैठा, मैं भैंसा हूं, क्योंकि बोलो ना, क्योंकि गुरु झूठ नहीं बोल सकता। गुरु कहेंगे बेटा, दो तीन लोगों को पहले भेजेंगे उसको, अरे तू तो मनुष्य है, नहीं खबरदार, गुरु झूठ नहीं होते, गुरु ने भैंसा है तो मैं भैंसा ही हूं। तब गुरु कहते हैं ये शिष्य बनाने लायक है, ये ध्यान सिखाने लायक है, ये ध्यान सीख सकता है, ये ध्यान सीख सकता है, क्योंकि कल्पना के विरुद्ध ध्यान सिखाना है हमें शुद्ध आत्मा का, ध्यान सिखाना है सिद्धालय का, ध्यान सिखाना है अमरता का, और तुझे तो मरने का डर लग रहा है कि मैं तो मर जाऊंगा, और गुरु कह रहा है तू अमर है, कैसे मान ले, सांप सामने आ रहा है, अजगर निकल रहा है, शेर शेर खा रहा है, और गुरु कहते हैं तू अमर है,
कल्पना करो मां, शेर खा रहा है, सांप निकल रहा है अजगर, उस समय गुरु कहेंगे तू अमर है। बोलो, अमरता का अनुभव होगा कि मरने का? बोलो ना, अपन सब बोलो है? मरने का अनुभव होगा। अमरता का झूठा तू है कि गुरु है? तू कहता है गुरु मर रहा हूं बचाओ, और गुरु कहते तू मर नहीं सकता, और हम चिल्ला रहे हैं बचाओ मैं मर रहा हूं। बोलो सही क्या है? और अपना अनुभव कह रहा मर रहा हूं, गुरु कह रहे अमर है, तुम किस पर विश्वास करोगे? सही क्या है तुम्हारी दृष्टि में? मरना कैसे संभव है? कैसे बैठेगी पटरी? कैसे होगा विश्वास? हमारे तो रोम रोम में भरा है कि अजगर निकलने के बाद व्यक्ति जिंदा नहीं रहता, मरता है। शेर के पकड़ में आने के बाद व्यक्ति जिंदा नहीं रहता, मरता है। ये अपना अनुभव है कि नहीं? और गुरु क्या कह रहे हैं? कैसे विश्वास करें? दो मिनट को आप कर लो, आप सब भैंसा हो। महाराज जी देखो गड़बड़ मत करो, आप वैसे ही, आपके बोलने में सब लोग कहते हैं महाराज जी का बोलने का कोई भरोसा नहीं, कब किसको क्या बोल देवे। आज तो हद कर दी महाराज, हम सब भैंसा हैं क्या? बोलो, सुन रहे हो सब भैंसा लोगों? आज व्हाट्सएप क्या चल जाएगा? बरुआ सागर में क्या चल जाएगा? संदीप, जहां जहां से मैं आता हूं, जहां जहां मैं पहुंचता हूं, वहां के सब लोग भैंसा हैं। बोलो, एक सेकंड की बात है, क्या जी निकलेगा? 100% तो मनुष्य हो, 99 नहीं, आगम से भी मनुष्य, शास्त्र से भी हो, सब तरफ से मनुष्य हो, और एकाएक गुरु ने कह दिया भैंसा है। जिंदगी भर का धारणा एक सेकंड में गायब करना है, बस सोचने विचारने का समय नहीं। महाराज मैं देखता हूं सींग है कि नहीं, महाराज ने भैंसा कहा है तो सब लोग सींग देखो, थोड़ा देखो महाराज, आपने भैंसा कहा तो मैं सींग देखू? देखना थोड़ा, समझ ऐसे करो जैसे मैं कर रहा हूं, नहीं है सींग, नहीं है, नहीं है, सही में नहीं है, फेल हो गए, फेल हो गए। चोर की दाढ़ी में तिनका, यही तो कहा था बीरबल ने, बोले साहब चोर नहीं पकड़ा जा रहा है। कैसे पकड़े? बोले चोर इसी सभा में हो। तो बीरबल खड़े हुए, बोले साहब चोर पकड़ा गया है, एक जोशी है बहुत, उसकी हर वाणी सत्य निकलती है, उसने कहा है सभा में जिसकी दाढ़ी में तिनका हो वही चोर है। सब बैठे रहे क्योंकि अपन ने चोरी की नहीं है, तो इनका बीच में एक बैठा था चोर, बोले जिसकी दाढ़ी में तिनका वही चोर है। बीरबल कहते हैं यू आर स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, तुम भैंसा हो। तो एक बरसर तो तुम कहोगे कि नहीं नहीं मैं मनुष्य हूं महाराज, मनुष्य हूं, तुम्हें शर्म नहीं आई जब गुरु ने सभा में बोल दिया भैंसा हो और तुम कह रहे हो मनुष्य हो? तुमने ये भी नहीं सोचा भरी सभा में गुरु का वचन झूठा हो जाएगा? गुरु तो झूठा सिद्ध होगा, मैं सत्य सिद्ध होऊंगा। तो मैंने सबको कह रखा है मेरे गुरु जो बोलते हैं सब सही बोलते हैं, उनके मुख से जो निकलता है वही सही निकलता है। मैं सब पूरे बाजार में कह चुका हूं, और आज महाराज ने मुझसे भैंसा कहा है, और मैं क्या सिद्ध कर रहा हूं? महाराज भैंसा नहीं हूं, मनुष्य हूं,
तो पहली बात तो सब लोग कहेंगे, फिर तू कल क्या बोल रहा था कि हमारे महाराज तो सही बोलते हैं और तू झूठ वो सिद्ध कर रहा है। यदि मान लीजिए तुम्हें प्रीति दो रूप बता रहा हूँ, यदि तुम्हें आ गया कि वस्तुतः मैं मनुष्य हूँ, महाराज कहीं से चूक गए हैं, महाराज के मुख से अनायास वैसा निकल गया है, तो भी यदि तुम मेरे भक्त होगे गुरु के, तो एक बार हाँ हाँ मैं वैसा ही हूँ क्योंकि महाराज ने कहा है, ऊपर से कह देगा। सभा के सामने महाराज को झूठा सिद्ध नहीं करेगा, वो बोल देगा कि नहीं हाँ ठीक है वैसा ही हूँ, मैं अपने गुरु की निंदा तो नहीं सुनूंगा। कल के दो लोग कहेंगे देखा तुम्हारे महाराज जो बोलते हैं वो सही नहीं निकलता, वो सत्य नहीं जानते, चला करके झूठ बोल देगा। व्यवहार सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूं, व्यवहार सम्यक दृष्टि महाराज की लाज रखने के लिए झूठ बोल देगा कि हाँ महाराज तुमने जो कहा है वही मैं हूं, ऊपर से कह रहा अभी, जिससे महाराज झूठे सिद्ध ना हो जाए। इतने का चमत्कार, गजब का चमत्कार है महानुभाव। ये तो मैं व्यवहार चमत्कार की बात बता रहा हूं, निश्चय चमत्कार में तो चमत्कार नहीं चित चमत्कार होगा। वो जो भैसे वाली बात है अंदर से अनुभव में आ गई उसके थोड़ा गौण कर रहा हूं अभी, तो व्यवहार का। ऊपर से बोला, व्यवहार से बोला, अंदर जान रहा है महाराज गलत बोल गए हम, लेकिन नहीं महाराज ने बोला है तो सही है, बात खत्म हो गई। अरे भाई महाराज ने बोला कुछ नहीं सुनूंगा मैं, महाराज ने सरासर झूठ बोले हैं, महाराज सरासर झूठ बोले हैं। और तुम्हारा प्रमाण पत्र है आगम का, शास्त्र का, कि तुम मनुष्य हो, फिर भी गुरु भक्त व्यक्ति आगम को ताक पर रख देगा, बोले गुरु ने जो बोला है हूं, ऐसा हुआ। एक मुनिराज थे, शायद बादीराज थे, एक ही भाव स्त्रोत के कर्ता, उनके शरीर में कुष्ठ रोग था। इधर राजा के दरबार में चर्चा चल रही थी कि साधुओं के बाद बड़ी शक्तियां होती हैं, बड़ी शक्तियां होती हैं, उनको कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता, उनको रिद्धियां होती, उनको देवता होते हैं, उनके पास चारों तरफ देव लोग आते हैं, सब होता है, ये चर्चा चल रही थी। एक श्रावक, एक जो जिन धर्म विरोधी था, वो साहब ये सब साधुओं में होता है जैन साधुओं को छोड़कर, जैन साधुओं के पास कोई शक्तियां नहीं होती, होती वे दुनिया का, बोले जिसको आशीर्वाद दे दे उनका दुख दूर हो जाए, जिसको देख ले उन दूर हो जाए, बोले जैन साधु को छोड़कर सब में शक्तियां होती हैं। बोले साहब, राजा ने कहा तुमने जैन साधु को ऐसा क्यों कहा? बोले मैंने नगर के बाहर उद्यान में एक जैन साधु को कोड़ी देखा है, यदि उनके पास शक्तियां होती दुख दूर करने की होती तो पहले अपना खुद का दूर नहीं करते संकट, दूसरों के संकट दूर वही कर सकता है जो पहले संकट में ना हो। देवी फिरें दिनों की मारी, पंडा कहें सीधो लाओ, जो स्वयं दुखी है वो दूसरों के दुख क्या दूर करेगा, जो स्वयं कोड़ी है वो दूसरों के क्या कोड़ दूर करेगा। तर्क पर तर्क होते गए, कोई नहीं समझ पाया ओहो कि दिगंबर साधु वो शक्ति है, स्वयं कष्टों के समुद्र में डूबा रहता है और सारे जगत को सुख के सिंहासन पर उठा लेता है। कौन मानेगा, सारे शास्त्रों की बातें बिल्कुल उल्टी जा रही हैं। भूख लगने पर बताओ सुख रोटी में है कि रोटी नहीं मिलने में, जल्दी बोलो, आप लोग बोल दो। भूख लगी हो तो रोटी खाने में सुख है कि उपवास करने में? साथ कह रहा उपवास कर ले रे, मजे ही मजा है, आनंद ही आनंद है। अब कैसे मानो बताओ, बिल्कुल उल्टी बात है। रोटी खाने के बाद आनंद आता है और ये कहते देख रोटी खाने में भी वो आनंद नहीं है जितना उपवास करने में आनंद है। कुछ पल्ली पड़ेगी, पल्ली पड़ेगी,
कैसे पढ़ने पड़े, उपवास में आनंद, बिना खाए आनंद। और हमारी तो अनादिकाल निकल गया, खाए बिना एक घंटे नहीं मिले तो तड़प जाए, पानी पीने में आनंद, एक घंटे नहीं मिले तो तड़प जाए। और यहाँ कहते हैं पानी में आनंद नहीं है, पानी के बिना आनंद, प्यास में आनंद, भूख में आनंद, क्या मचा रखा है, कैसे विश्वास करें। माँ बाप हैं तो आनंद है, वो कहते हैं नहीं, माँ बाप के बिना और ज्यादा आनंद है। तुम लोग के पास मम्मी पापा हैं कि नहीं? हैं, बहुत सारे के। और हम लोग माँ बाप को छुड़ा दिया महावीर ने, तो बोलो तुम ज्यादा सुखी हो कि हम सुखी हैं ज्यादा, बोलते नहीं हो? अब बताओ कैसे समझ में तुम्हें आए? मकान छुड़ा दिया, परिवार छुड़ा दिया, वस्त्र छुड़ा दिया। जो कल मैंने कहा था गर्मी के दिनों में सुख कहाँ है भैया, बताओ? एसी कमरा में, कूलर कमरा में, पंखे के कमरे में, या धूप में, या पहाड़ पे, उनमें बता दो सुख कहाँ है। भयंकर 48 टेम्परेचर में चार चीजें तुम्हारे सामने, एक और एसी कमरा है, एक कूलर वाला है, एक पंखे वाला है, एक खुला मैदान है, और एक पहाड़ पर ऊंची एक चट्टान है जहां कोई छाया नहीं। इनमें से सुख बताओ कहाँ है, बोल दो बोल दो बोल दो, मालूम है महाराज? आनंद तो एसी कमरे में है। और शास्त्र क्या कह रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु पर्वत के ऊपर, दहल जाता है हृदय जब ये शास्त्रों की बातें, जब साधना के उच्च शिखर पर बड़े महाराजों को देखता हूं, कहां सुख, जिस चट्टान की तरफ देखने में भी गर्मी लग रही, सुनने में भी गर्मी लग रही, उस चट्टान पर बैठ करके आनंद ले रहे हैं। कैसे समझ में आएगा, कैसे विश्वास करूं? एसी में बैठकर सुख लेने वाला, क्या पहाड़ की चट्टान पर सुख है, ये कल्पना में भी आएगा क्या? कल्पना में भी आएगा क्या? नहीं आता, मान नहीं आता। सत्य क्या है, हमारा एसी या प्रभु का चट्टान, सत्य क्या है? एक बार सत्य मान करके चलो, अपन सब चट्टान पे बैठते हैं, हम भी चले चले चले। कहो मैं ही अकेला नहीं बचू, तुम तो धीरे धीरे खिसक जाओगे। और कहो फिर मैं भी देख करके धीरे से वहीं पाचू में जो पेड़ होगा ना, उस पेड़ की छाया में पहुंच जाएंगे। लेकिन वे केवल ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी है। वो कहते हैं अनुभव झूठा, एसी झूठा, सच्चा वही है कि पर्वत की सिला पर ही आनंद है, यही सुख का धाम। शीत ऋतु नदिया के किनारे क्या है, कौन सी इनके अंदर ऐसा सम्मोहन हो गया, कौन सी ऐसी श्रद्धा प्रकट हो गई जो कहते हैं हम अमर हैं। गुरु ने कहा मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं शरीरातीत हूं, कैसे? सब अनुभव के बाहर की बातें हैं, सब छोड़ के आ जा, आनंद ही आनंद है। यहां तो सब चीजें मिलती हैं तब आनंद है, यहां तो मकान हो, परिवार हो, धन दौलत हो, कपड़े हो, खाने पीने का सामान हो, तभी आनंद है। बोलो जो जो मुनि महाराज से छुड़वाया महावीर स्वामी ने, उन उन चीजों का तुम्हारी जिंदगी में अभाव हो जाए तो तुम सुखी रहोगे कि दुखी? बाल हाथ से उखाड़ना पड़े तो पुण्य का उदय कि पाप का उदय? नहीं कर सकते। और देखो साधु, इसलिए तो जैन साधु कहा, ऐसा क्या इसको आ गया कि सब उल्टा काम किया महावीर ने? जिन जिन वस्तुओं से सुख मिलता था वो नाम ले लेकर के अलग कराए, नाम ले लेकर के। तुम्हारे मैंने एक दिन तुम्हारा पूरा चिट्ठा उठाया, तुमसे किस किस चीजों में सुख है आपसे पूछा, लिस्ट बनाई। फिर मैंने महावीर की लिस्ट उठाई, गिन गिन करके छुड़ाई, बोले ये नहीं। जिन जिन में दुनिया को सुख है उसी उसी में महावीर ने दुख का लेबल लगा दिया, यही दुख है। अब आंकड़ा कैसे बैठे, सारी दुनिया कह रही यही सुख के साधन हैं,
और महावीर तुमने सुख कहा नहीं और उन्होंने दुख का टाइटल दिया नहीं, यही दुख है, दुख मेववा दुख ही है। अब ऐसा सिद्धांत करने के लिए बस वही वाली बात महाराज ने क्या कहा है, अब भैंसा बन के बाहर मत जाना, भैंसा बन के बाहर मत जाना, नहीं तो आज घर में नहीं घुस पाओगे। घर में कहोगे अब मैं कैसे आऊं, तो लोग फिर गड़बड़ कर देंगे ना। बाजार में भैंसा बन के मत घूमना, लो हमने भैंसा बनाया था सोम सट, तुम सब मनुष्य हो, राजा बेटा हो, जैन हो, वो एक समर्पण का क्षण था जो अंदर की चेतना से निकालना था वो निकल गया। अब कोई बात नहीं, आप पास हो गए, पास हो गए। पुषदंत भूत बलि को अशुद्ध नमोकार मंत्र दिया, अशुद्ध करके मंत्र दिया, उन्होंने कहा नहीं गुरु वचन प्रमाण है, उन्होंने पढ़ा नहीं, उसी को जपने बैठ गए। बोले गुरु के वचनों पर शंका नहीं की जाती, बैठ गए। बाद में जो गलत सिद्ध हुआ फिर सुधारा। तो ऐसी श्रद्धा जो अपना कल भी प्रवचन चला था कि हम कैसे सामंजस्य बैठा लें धर्म से, और हमारे संसार का सामंजस्य तो बैठाना ही पड़ेगा। दो सत्य नहीं हो सकते, सत्य तो एक ही है, या तो तुम सत्य हो या फिर गुरु का वचन सत्य है, और दोनों प्रतिकूल हैं, दोनों प्रतिकूल हैं। और कभी कभी तो महाराज कोड़ी हैं, हिम्मत है राजसभा में जीभ कटेगी, ये पहले से घोषणा थी कि नहीं, कि जो झूठ निकला तो है हिम्मत इतनी, तब चमत्कार होते हैं, तब अतिशय होते हैं। बोलो वो बादी राज में अतिशय था कि रात भर में कोढ़ दूर हो गया, कि उस भक्त के समर्पण में था जो कोढ़ दूर हो गया। चमत्कार किसमें था, भक्त के समर्पण में चमत्कार था, महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम गुरु भक्त परिवार कोलकाता।